हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जुलाई 5th या जुलाई 6th में जो फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स की क्वारंटीन एग्जेम्पशन है, क्या उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड वर्कर वीज़ा वाले आते हैं या नहीं, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। काफ़ी कॉलेजेस बोल रहे थे कि आपको फिर भी क्वारंटीन करनी पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ कनेडियंस एंड पीआर के लिए है, एज वेल एज काफ़ी मिनिस्टर्स भी बोल रहे थे। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी कॉलेजेस ये बोल रहे हैं कि आप एग्जेम्प्ट होंगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं कॉलेजेस की स्टेटमेंट्स एज वेल एज मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट एज वेल एज IRCC की स्टेटमेंट सब बताने वाला हूँ एंड फाइनली आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअली के अंदर रूल है, जिससे आपकी कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया के अंदर अपफ्रंट मेडिकल सर्विसेज के ऊपर भी डिटेल्स आ चुकी है, सो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। एंड हर बार की तरह वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, उससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड प्लीज़ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, मतलब कि दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है एंड उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। अब विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ एक कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल सेंट क्लेयर कॉलेज यहाँ पे है, वो बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि कनेडियन गवर्नमेंट स्टिल रिक्वायर्स 14-day क्वारंटीन इवन दो यू हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये वाला कॉलेज जो है, इन्होंने भी स्पेसिफिकली बोला है कि सभी लोगों को 3-day होटल क्वारंटीन एज वेल एज 11-day क्वारंटीन लेना ही पड़ेगा इवन दो यू आर फुली वैक्सीनेटेड। बट कुछ कॉलेजेस थोड़ा सा अपस्केल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैनशॉ कॉलेज है, उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स हु आर फुली वैक्सीनेटेड, ऑब्वियसली जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसके थ्रू एंड 14 डेज उनको हो चुके हुए हैं एंड वो टेस्ट नहीं होते हैं बॉर्डर के अंदर, दे नो लॉन्गर रिक्वायर अकोमोडेशन फ्रॉम द कॉलेज या होटल क्वारंटीन एज वेल एज होम क्वारंटीन की ज़रूरत भी नहीं है। एंड सेम इज़ द केस विद मैकगिल यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी यही स्पेसिफाई किया है। सेम इज़ द केस विद जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, उन्होंने भी सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कनाडा गवर्नमेंट ने दी थी, वही वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि अप्रूव्ड वैक्सीन्स होनी चाहिए एंड 14 डेज आपको पास्ट हो जाने चाहिए, तब आप फुली वैक्सीनेटेड माने जाओगे एंड आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी जो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये सारी स्टेटमेंट्स को, उसकी मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली में बोला क्या था। इंडिया 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਰ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ 5th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PR ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋ PR ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੈਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਨਟਿਲ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਅਜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ। सो जी, इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी स्टूडेंट्स के मन में कि एक्चुअली में क्या होना है, क्या हमको क्वारंटीन करनी है या नहीं करनी है। सो इस वजह से मैंने IRCC के ट्वीट्स देखने शुरू किए, उनको ट्वीट किया एंड वहाँ पे मैंने चेक किया कि पहले ही बहुत ज़्यादा लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंड IRCC ने उनको रिप्लाई भी किया हुआ है। सो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछा गया है कि फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो लाए करते हैं इस रूल के अंदर, एंड यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हो, येस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर फुली वैक्सीनेटेड विद द फुल सीरीज ऑफ वैक्सीन और कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एक्सेप्टेड बाई कैनेडा गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स 14 डेज प्रायर टू द अराइवल इन कैनेडा आर एग्जेम्प्ट। सो बहुत ही क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बहुत ही क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है IRCC ने कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसके अंदर लाए करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया है, 3 सीरीज ऑफ ट्वीट्स उन्होंने बोले हैं कि येस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर फुली वैक्सीनेटेड, वही वाली सेम स्टेटमेंट एज वेल एज कैनेडा गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं कि उनका ट्रैवल एसेंशियल है। ट्रैवल एसेंशियल होने के लिए क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ वैलिड स्टडी परमिट, ऑब्वियसली स्कूल यू आर अटेंडिंग मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ DLI इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली DLI नंबर होना चाहिए, एंड उनके पास रेडीनेस प्लान होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द DLI वाले जो कॉलेजेस है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे भी हम IRCC की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, travel.gc.ca, उसके अंदर भी स्पेसिफाई किया गया है कि वॉट आर द पीपल और
what are the travelers who are exempt. So यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, some temporary foreign workers जो worker visa वाले होते हैं, जिनके पास job offer होते हैं वो आ जाते हैं, international students, approved permanent residents वो आ जाते हैं, compassionate reasons and family members, extended family members. So अगर आप अपना scenario भी consider करवाना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इन्होंने form provide करके रखा हुआ है, जिसके अंदर आप जा सकते हो and वो specifically बता देते हैं कि आप Canada travel कर सकते हो या नहीं, and अगर कोई conditions है, for example कई जगह आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है, वो भी इसके अंदर बता देते हैं। अब आते हैं जी गुड न्यूज़ वाली तरफ। सो कैनेडा इन इंडिया जो कैनेडा एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने अर्जेंट पासपोर्ट एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। सो अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि वो बहुत ही अर्जेंट है एंड आप एक केस बना सकते हो, आप अपील बना सकते हो, सो मेक श्योर कि आप उसको अवेल कर लीजिए एंड आपका जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि बहुत ही कम लाइनअप होगी अर्जेंट एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है जी। सेकेंडली, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम शुरू हो गया या नहीं। सो कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है, बट ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि अपफ्रंट मेडिकल सर्विसेज शुरू हो गई है। इनफैक्ट मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज किया कि अपफ्रंट मेडिकल शुरू हो गया है। इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, होपफुली विद इन अ डे और टू आ जाएगी, बट ट्विटर के ऊपर एज वेल एज इंस्टाग्राम के ऊपर आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे ट्वीट किया है एंड मैसेजेस किए हैं कि अपफ्रंट मेडिकल सर्विसेज शुरू हो गई है। सेम इससे एग्जांपल यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, गाइस अपफ्रंट मेडिकल्स हैव ओपन नाउ। सो जहाँ पे भी आपने पहले मेडिकल करवाया था, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली अप्रूव्ड पैनल फिजिशियंस के पास आप जाओ एंड वहाँ पे जाके आप मेडिकल करवा सकते हो। Passengers who depart from India bound for Canada via an indirect route must still obtain a valid COVID-19 test result from a third country before boarding a flight to Canada. तो मेरा फेसबुक ग्रुप है कैनेडियन दोस्त फेसबुक के ऊपर, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो बता रहे हैं कि हम इस रूट से जा रहे हो, कोई जाना चाहता है तो आप उनके साथ टैग इन करके जा सकते हो, उससे आपकी मॉरल सपोर्ट भी हो जाएगी एंड आप हंसी खुशी कनाडा भी पहुंच जाओगे। जो ये इनडायरेक्ट रूट वाली स्टेटमेंट है वो कनाडा के ट्रेवल मिनिस्टर ने खुद बोली है, सो दिस इज 100% लेजिट। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है, मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको एड्रेस कर सकूं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है एंड ये कन्फ्यूजन सभी लोगों की आप क्लियर कर सको। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन, and thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.